सब्सक्राइब कीजिए सी के स्नोर सर्विस को और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए सबसे पहले पहुंचे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के पास देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। और मेरा नाम है राम किशन, आप देख रहे हैं सी के स्नोर सर्विस यूट्यूब चैनल। हम बताएंगे इस वीडियो में जैसे कि हॉर्नेट का होता है, हॉर्नेट होंडा का हॉर्नेट होता है, वो बहुत पुराना मॉडल था, ठीक है, मतलब डिस्क ब्रेक था, कॉम्बो था उसमें, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता फिर से गैरेज वाला मेरे पास लाया था गाड़ी, उसमें दिक्कत क्या हो रहा था, उसमें दिक्कत था कि उसमें मतलब पिछले का डिस्क ब्रेक डिस्क पैड जो था वो बिल्कुल खराब हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें डिस्क पैड जो होता है पिछले का वो बिल्कुल खराब हो गया था, ठीक है। और पिस्टन जो होता है ना रॉकेट कैलिपर का जो पिस्टन होता है वो बहुत जाम हो गया था। उसने क्या किया था फ्रेंड्स, ठीक है, उसने हथौड़ी मार के बहुत मतलब भाइस में लगा के कॉम्प्रेसर से मतलब उसको अंदर कर दिया, ठीक है, पिस्टन को अंदर कर दिया, बहुत धक्का लगा के मतलब अंदर कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब नया डिस्क पैड लगा के उसने फिटिंग कर रहा था, ठीक है फ्रेंड्स, जब नया डिस्क पैड लगा के फिटिंग कर रहा था उस टाइम फिटिंग तो कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। फिटिंग करने के बाद जब वो ब्रेक लगाना चाहते थे, मतलब ऐसे ऐसे तो कंप्रेसर करना पड़ता है डिस्क पैड को, जब वो पिस्टन को बाहर करना चाहते थे उस टाइम बाहर नहीं हो रहा था, उसने क्या किया फिर बहुत कोशिश करने के बाद फिर भी मतलब कंप्रेसर नहीं बना उसका, डिस्क में कंप्रेसर नहीं बना, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें कॉम्बो होता है, जब पिछले का ब्रेक मारोगे तो अगले का भी ब्रेक पकड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसने क्या किया था, हथौड़ी मार के तो अंदर तो कर दिया पिस्टन को, पर जब कंप्रेसर कर रहे कंप्रेसर बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है फ्रेंड्स। उसने फिर मेरे को कॉल किया, कॉल करके फिर बता रहा है कि भाई ऐसा ऐसा बात है। तो उस टाइम फिर मेरे पास लाया गाड़ी, ठीक है, मेरे पास लाने के बाद मैंने तो पूरा बढ़िया से मतलब खोल के देख लिया क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। जब मैंने भी ऐसे किया, बहुत बार कोशिश कर रहा था फिर नहीं हुआ, मैंने फिर क्या किया, बढ़िया से समझ लो फ्रेंड्स, ठीक है। तो पिछले का जो कैलिपर होता है उसको मैंने खोल दिया फिर, ठीक है, जो 12 नंबर का नट होता है उसको खोल दिया मैंने, खोल कर जो अगले कैलिपर का जो नट होता है 12 नंबर का, बढ़िया से समझ लो फ्रेंड्स, ठीक है, 12 नंबर का जो नट होता है नीचे मतलब डिस्क बॉकेट से जो आता है कैलिपर में उसका जो नट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, पिछले का खोल के मैंने अगले में लगाया, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगले में जो डिस्क ब्रेक जो होता है ना वो बहुत हार्डी होता है, मतलब कंप्रेसर में बहुत ज़्यादा होता है, पिछले में उतना कंप्रेसर नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स, बढ़िया से समझ लो, पिछले में जो कंप्रेसर होता है वो अगले से कम होता है, अगले में ज़्यादा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया, पिछले का जो 12 नंबर का बोल्ट था कैलिपर को खोल दिया, खोल कर फिर मैंने सामने लगाया, ठीक है, सामने का जो कैलिपर होता है उसको खोल कर मैंने लगाया था अगले कैलिपर डिस्क के साथ, ठीक है, खोल लगा कर लगाने के बाद मैंने बहुत बार ऐसा किया, मतलब कंप्रेसर बनाना चाहा तो फिर आसानी से हो गया, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी अगर ऐसे हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पिछले का तो खोलना, खोलकर अगले में लगाना, अगले में लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो नट जो होता है चूड़ी एक ही सेम होता है पूरा, ठीक है, सेम होता है। तो उसने यही नहीं कर पाया, मैं मतलब मेरे पास लाया, मैं मतलब खोल कर 12 नंबर में लगा कर बहुत बार ऐसे मतलब कंप्रेसर बनाकर पिस्टन को बाहर निकाला, मतलब फिर पिस्टन बाहर निकल गया, फिर निकलने के बाद मैंने देखा था बहुत जाम था, बहुत जाम मतलब उसमें जंग आ गया था, मतलब बहुत जाम आ गया, बहुत पुराना गाड़ी था फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब हॉर्नेट जो होता है फास्ट मॉडल का गाड़ी था, उसमें मतलब खोल कर फिर मैं बढ़िया से वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर मैं लगाया, जब मैं लगाया सामने पिछले वाले में फिर देखा कि कंप्रेसर बिल्कुल सही था, मतलब उसमें हुआ था क्या फ्रेंड्स, पिछले में जब जाम हो गया था, इतना जाम हो गया था वो कंप्रेसर उतना बना नहीं पा रहा था, ठीक है फ्रेंड्स, पिछले में कंप्रेसर थोड़ा कम ही होता है, ठीक है, जब अगले में खोल कर लगा कर कंप्रेसर किया, करने के बाद मैंने पिस्टन को बढ़िया से वॉश किया, बढ़िया से वॉश करने के बाद उस टाइम फिर मैं पिछले में लगाया, लगा कर देखने के बाद कि बिल्कुल सही हो गया। तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा अगर आप लोगों को अब ऐसी दिक्कत आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा। तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो में लाता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, बढ़िया।